वंदन करती हूँ। हम कृतज्ञ हैं कि आपने बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे इनफॉर्मली मैं आपसे निवेदन करने गई और आपने क्षण भर में हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। आपकी उपस्थिति यहाँ के जो विद्यार्थी हैं और युवा वर्ग हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए बहुत आवश्यक थी और आपने इस जो एक कहावत है कि जो जितना ऊंचा होता है वो उतना ही ज़्यादा विनम्र होता है और नम्र होता है और उतना ही ज़्यादा झुक जाता है, इसको भी सिद्ध कर दिया। मेरे पास आपके अभिनंदन के लिए, वंदन के लिए शब्द नहीं है। मैं कृतज्ञ मस्तक से आपको नमस्कार करती हूँ। और आज के इस आयोजन के बारे में थोड़ा सा हमारी गैदरिंग के साथ आपको के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि हमारे जो FIMT संस्थान है इसके विद्यार्थी और सहभागियों के लिए, क्योंकि हमारे FIMT परिवार में कभी भी मैं पिछले 11 वर्ष अपने 11 साल का कार्यकाल यहाँ बिता चुकी हूँ और मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि हम यहाँ एम्प्लॉई हैं। यहाँ का प्रत्येक एम्प्लॉई अपने आप में इस संस्थान का हिस्सा है। तो हम सबका ये प्रयास था कि दीपोत्सव पर 2 साल कोरोना में 2020 और 2021 में हम सब घरों में बंद रह करके दीपावली का हमने उत्सव मनाया। हमारे जो नव आगंतुक नामांकित विद्यार्थी हैं उनको हम उनका वेलकम विधिवत नहीं कर पाए क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब और हमारी सेक्रेटरी जो श्रीमती नलिनी जोशी मैडम है उनको हमेशा रहता है कि परिवार के लोगों से जब तक एक दूसरे से साक्षात्कार नहीं करें, मिले नहीं और उनके साथ भोजन नहीं करें तो उन्हें लगता है कि सब कुछ अधूरा है। क्योंकि राजस्थान में एक कहावत है, जब किसी से पूछा जाता है कि तुम इसको जानते हो वो, तो कहा जाता है कि मैंने क्या इसकी खीर खाई है। तो हमारी कोशिश रहती है कि हमारे अन्न में सबकी भागीदारी रहे। और मैं यहाँ आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। अधिक समय नहीं लेते हुए हमारे एंकर से निवेदन करती हूँ कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मैनेजमेंट की ओर से डायरेक्टर, फैकल्टी, स्टूडेंट्स सभी की तरफ से मिस्टर हेमंत कुमार जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हेमंत कुमार जी प्रेजेंटली कापासेड़ा तहसील के DM हैं और बहुत कम लोगों को पता है कि कापासेड़ा तहसील सबसे बड़ा दिल्ली का रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट है और इतने यंग होते हुए भी इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतने बड़े बड़े विलेजेज उनको हैंडल करते हैं। आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री जी का यंग इंडिया, आप यंग फेसेस हो, आप भी कल देश के भविष्य के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। इसलिए अपने स्टडी वगैरह ध्यान से करो, जो भी काम करो दिल लगाकर मेहनत से करो, बहुत ऊपर तक जाओगे। और मैं इतना कह
कहना चाहता हूँ जो नए बच्चे हमारे फैमिली में फेयर फिट फैमिली में ज्वाइन किया है 2022 में, उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, स्टॉल्स, एनसीसी, एनएसएस स्टाफ जिन्होंने ये मैनेज किया है, सबको धन्यवाद करता हूँ। और मैं ऊपर वाले का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आज विटामिन डी खुलकर मिल रहा है हम सबको, हमारी सबकी डिफिशियंसी खत्म हो। आपको दिवाली की सबसे बड़ी शुभकामनाएं, आपके घर में आपको हमेशा दिवाली की तरह जगमग रहे आपकी जिंदगी, आपको रिद्धि सिद्धि कार्य सिद्धि दिव्य शक्ति हर पल मिलता रहे, यही हमारी कामना है। धन्यवाद। यहाँ की प्रिंसिपल, फैकल्टी, सभी प्यारे बच्चों, आई एम ट्रूली ऑनर्ड एंड रिलेटेड कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे चीफ गेस्ट बन के आने का मौका दिया। और ऐसा बहुत दिनों के बाद आई हैव सीन सच अ बिग गैदरिंग। इट इज़ वेरी हार्टनिंग टू सी कि बच्चों में कितना ज़्यादा उत्साह है इस दीपोत्सव के लिए। आई थिंक ऐसी इस तरीके की जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइज करते हैं कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस, उसमें ना सिर्फ हम लोगों को एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, बट जो हमारे अंदर कुछ भी प्रतिभाएं हैं वो निखर के बाहर आने का भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन जाता है। तो मेरा आप सभी को बहुत बहुत इस चीज़ के लिए जो अभी आपने दीपोत्सव ऑर्गेनाइज़ किया है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड आई कैन सी कि बहुत सारी स्टॉल्स लगी हुई हैं। मुझे हमारा प्रोबेशन का टाइम याद आ गया, जब हमने ट्रेनिंग ज्वाइन की थी तो वी वर ऑल्सो आस्क्ड टू पुट दिस काइंड ऑफ स्टॉल्स, और हमने भी ऐसी स्टॉल्स पुटअप की थी। हम भी लोगों को कुछ कुछ जो बना रहे थे या खिला रहे थे, किसी को कुछ गेम्स करवा रहे थे, तो हमने भी किया था। तो आई कैन डिस्टिंक्टली रिमेंबर कि आज से 10 साल पहले 9 साल पहले जब हम लोगों ने ट्रेनिंग ज्वाइन की थी, तो इट वॉज सच अ सिमिलर काइंड ऑफ सेटअप, एंड आई कैन रिलीव माई ट्रेनिंग डेज बाई सीइंग दिस। आई विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड सक्सेस टू दिस प्रोग्राम ऑल्सो, एंड ऑल्सो टू ऑल द किड्स फॉर देयर फ्यूचर। चीफ गेस्ट IAS हेमंत कुमार, रिस्पेक्टेड चेयरमैन सर श्री विजय कुमार नांगलिया भारद्वाज, एंड आर रिस्पेक्टेड डायरेक्टर डॉक्टर सरोज व्यास टू डू द ऑनर्स ऑफ द वेल डिजर्व कैडेट्स। प्लीज वेलकम कैडेट कृतिका श्रीवास्तव, शी बी प्रमोटेड टू लॉन्च कार्गो। Yeah.
फड़कन ना देवे चिड़िया बुलिया दा जुल्फी हसा लो राजू पग दिया चिड़िया नजरा तो डर दी रखा जी आप भी इस बच्चे
डायरेक्टर, आज के कार्यक्रम की सफलता और आज के आयोजन के बारे में थोड़ा सा बताएं। आज ये फेयरफील्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी भी दुर्गोत्सव का उत्सव मनाया गया, उसकी सफलता का सारा श्रेय मैं हमारे नॉन टीचिंग और टीचिंग स्टाफ को देना चाहती हूँ और स्पेशल धन्यवाद देना चाहती हूँ मैनेजमेंट को, क्योंकि उनकी कोऑपरेशन के और उनके ब्लेसिंग के बिना ये नहीं हो सकता था। इस दीपोत्सव में हमने यहाँ के जो DM हैं हेमंत कुमार जी, उन्हें बुलाया और एक तरह से वो हमारे स्टूडेंट्स के मोटिवेटर थे, रोल मॉडल थे। साथ ही साथ हमने फूड स्टॉल और गेम स्टॉल लगा करके बच्चों को उत्साहित और प्रोत्साहित किया कि एंटरप्रेन्योरशिप कैसे की जा सकती है। और कोरोना काल के बाद में 2-3 वर्ष हो गए थे कि बहुत ही सभी के जीवन में एक निरस्ता छा गई थी, इस दीपोत्सव में हमने कोशिश करी कि हमारे विद्यार्थी और हमारे सहयोगी और साथी सभी दीपावली पे उत्सव के रूप में मनाए और उसकी शुरुआत हमने आज ही कर दी है। मैं डायरेक्टर के पद पे होते हुए सभी टीचिंग, नॉन टीचिंग और अपने विद्यार्थियों को दीपावली की शुभकामनाएं देती हूँ।